समय समय की बात है और समय समय को फेर आज शंकर बेच मोचड़ी तो भाई गिर जा बेचे बेर। कैलासन में एक दिन सती शिव से करे पुकार और मोकू मिलवा भेज दे तो पीहर में भरतार। सती करे रही पुकार अर्जी सुन लो त्रपुरार मैं हूँ अर्धांगी नार पीहर जामू भरतार। सुन लो मारी भोले भन कहने लगी कि हे महाराज मैं पीहर में जाऊंगी। शंकर भगवान कहने लगे कि हे प्यारी किसी को भी बिना बुलाए कहीं पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन पार्वती बार बार मना कर रही है और शंकर भगवान बार बार मना कर रहे हैं।
शंकर भगवान ने बार बार मना किया, लेकिन पार्वती जबरन से पीहर चले जाती है। शंकर भगवान ने विचार किया कि पार्वती के साथ कोई कपट करना चाहिए, तो शंकर भगवान ने क्या किया कि मोची का रूप धारण किया और सुंदर सुंदर मोचड़ियों की गांठ बांधकर हिमाचल राजा के घर पहुंच जाते हैं। और किस प्रकार से आवाज लगा रहे हैं आगे जरा ध्यान देकर सुने। अरे मोची की आवाज सुनी सखी संग में आ गई है सारी, पार्वती रे बोली रे मोची का कसीर मोचड़ी है भारी।
सजनो, हिमाचल राजा के घर जाकर शंकर भगवान ने मोची रूप में आवाज लगाई कि हे सखियो, मैं सुंदर सुंदरी मोचड़ लेकर आया हूं, आप पहन लीजिए। आवाज सुनकर सारी सखी पार्वती सहित वहां पर आई और कहने लगी कि हे मोची, आप इनका मोल कहो। शंकर भगवान मोची के रूप में कहने लगा कि हे सखियो, देखो ये रतन जड़ाऊ मोचड़ी है और इनकी कीमत मेरी मनसाई होगी। वो क्या होगी? पहला लो खूब परख लो, जाते तो सौदो कर लो। पहला लो खूब परख लो, जाते तो सौदो कर लो। तेरे झूठ लगी नैया में हाली एक बात की कर लो, सानी कर लो हेरो कैडी होर मोतड़ी फेरो साता साता करो बयान ये बात को जान तोड़े धारे झूमे खोल बिस्किन को गया ही मोल वही तले हमारे साथ मारे का।
सजनो, शंकर भगवान कहने लगे कि हे सखियों देखो, इनका मोल यही है कि जो सखी इन मोचड़ियों को पहनेगी वो ही मेरे साथ चलेगी, उसी को पहना सकता हूं। सारी सखी सुनकर लाचार हो गई। प्यारे सजनों, शंकर भगवान की माया थी, उन मोचड़ियों पर पार्वती दीवानी हो जाती है और कहने लगी कि हे मोची, मैं तुम्हारे साथ में चलूंगी लेकिन मुझे पहना दो। शंकर भगवान ने मोचड़ी पहना दी और पार्वती चोरी से उसके साथ में चली जाती है। आगे जाकर शंकर भगवान ने क्या किया, मोची के रूप को हटा दिया और अपना रूप बना लिया। अरे मोची नजर नजर में आवे, खड़ो सामने त्रिपुरारी, पार्वती रे को लाई रे सत्यवंती रे नारी। दिखा दिया और कहने लगे कि हे पार्वती,
तुझको सारा संसार भवानी कहता है और तू थोड़ी सी लालच में आकर मेरे साथ आ गई। इस प्रकार से कहा। पार्वती इस बात को सुनकर लाचार हो जाती है और मन में विचार करने लगी कि हे भगवान, अब क्या किया जाए। इस प्रकार से पार्वती ने कहा, तो अपनो रूप दिखाई के तो अपनो रूप दिखाई के और शिव शंकर भगवान और हिमाचल के द्वार पे तो ठाड़े करे पयान। सकियन संग गिर जा गई आत सकियन संग गिर जा करे मन में सोच विचार और मन में बस गई मोचड़ी तो ठाड़ी तरे विचार। आ लारे चालूंगी फेरा दे जोड़ी मारे जचगी मोची थारी मोचड़ी ही हमें बसगी शंकर भगवान नाराज हो जाते हैं और कहने लगे कि हे पार्वती, इस प्रकार से तूने मर्यादा ही भंग कर दी और भवानी होकर मेरे साथ में आ गई। तो अपनो रूप दिखाय करो शिव हो गए अंतर ध्यान और खड़ी गवर जा विपन में तो बिगड़ रही बाकी शान। पार्वती ठाड़ी करे अब मन में सोच विचार अरे तो जब तक शिव को ना चलू तो मेरी नहीं जीवा में सार। जंगल में
सोचे भवानी खड़ी बन में धर के दिया वारे मेरे भोले पिया तेने के साधो का दिया वारे मेरे भोले पिया तेने के साधो का दिया कपटी निचो तू लहरी जान बिगाड़ी बन गो तू बैरी हाँ ऐसो कपटी निचो तू लहरी जान बिगाड़ी बन गो तू बैरी अरे मन में आंसू खड़िए रोवे मन में पाते हिया मारे मेरे भोले पिया तेने के साधो का दिया अरे मारे मेरे भोले पिया तेने के साधो का दिया अरे मन मन में सलाह बना ली है वो रूप भी लड़ी धार लार शिव जी पूरी चले बाजा रही है अब मन में सलाह बना ली है वो रूप भी लड़ी धार लार शिव जी पूरी चले बाजा रही है हाँ सजनो पार्वती ने मन में विचार किया कि शंकर भगवान ने मेरे साथ में छल किया है जब तक मैं शंकर भगवान के साथ में छल नहीं करूं तब तक मेरी जिंदगी बेकार है इस प्रकार से विचार करके पार्वती ने क्या किया कि भीलनी का रूप बनाया और विचार करने लगे अब मन में सलाह बना ली हो रूप भी लड़ी धार नार शिव जी पूरे छल बाजा रही है हर सा रही है मन ही मन में हो में
मीठा भेर तेला सन में कीनी तेल देखो मीठी मीठी बोले अब्बा बेर बेटती डोले शंकर ने देखो या हाल बिजली को है रूप कमाल शिव जी रूप देख चकरायो नु मिलने को वचन सुनायो हो मर प्यारी कौन गांव की रहने वाली कौन पति की नारी सुने मीठी मीठी बोले अब्बा बेर बेटती डोले शंकर ने देखो या हाल बिलनी को है रूप कमाल शिव जी रूप देख चकरायो नो बिलनी ने वचन बतायो हो मन प्यारी कौन गांव की रहने वाली कौन पति की नारी सुने नार डोले बेर बेटती नहीं बातन में Thank you.
मन को भेद क्यों नहीं खोले, घर घर भेद बेचती डोले, तू सिर खेदी दे गेलो, मैं कैला तन बीत अकेलो, मन की रे बात बताऊ रे प्यारी, तू बन जा मेरी घर वारी, घर घर डोले क्यों दुख पावे, कैला तन अकेलोरंडा क्यों मन में घबरावे, मौजे उड़ावे मारे नारे, क्यों मन में घबरावे मौजे देवर जाट और गल्ला लाजो हीरा काजे भैंस बताजो, कैला सन में तो अकेली तुई बनवा जाऊ नई हवेली, ना कोई लड़ बाड़ी भिड़ बाड़ी ला जाऊ भूली बांध खंगवाड़ी, भिलड़ी नारे साले ना भारे साथ कोई बनवा जाऊ नई हवेली, ना कोई लड़ बाड़ी भिड़े बाड़ी ला जाऊ गुला बांध खंगवाड़ी, भिलड़ी नारे चाले ना भारे साथ में, प्रिय सजनों भिलनी के रूप को देखकर शंकर भगवान मोहित हो जाते हैं और कहने लगे कि हे भिलनी ये बताओ आप कौन गांव की रहने वाली हो और कौन तुम्हारा पति है, क्या नाम माता और पिताओं का है। भिलनी कहने लगी कि हे बाबा मेरे कोई भी नहीं है, न माता है न पिता है और न पति है। ऐसी बात को सुनकर शंकर भगवान कहने लगा कि हे भिलनी तुम मेरे यहां कैलासन पर रह जाओ और मैं अकेला ही हूं, मेरे पास में कोई भी नहीं है। अरे लौट के जवाब दियो भिलनी ने अरे हमारी बारंबार, मैं पत्नी बन जाऊं रे तेरी तू बन जा मेरो भरतार, तेरी तू बन जा मेरा भरतार।
है सजनों। बिल्ली कहने लगी कि हे बाबा, मेरे कोई भी नहीं है और मैं तुम्हारे पास में रह सकती हूँ, तुम्हारा भगवान भला करे। इस प्रकार से बिल्ली ने कहा। शंकर भगवान बिल्ली पर मस्त हो गए और बार बार कहने लगे कि हे बिल्ली, मैं तुझे सारा साधन जुटा दूंगा और सब प्रकार से मेरे कैलासन में आनंद कर। इस प्रकार से कहा। अरे लौट के जवाब दी और बिलनी ने अर्ज गमारी रे बारंबार, मैं पतनी रे बन जाऊं रे तेरी, तू बन जा रे मेरो भरतार। हाँ प्रिय सजनों, भीलनी कहने लगी कि खैर कोई बात नहीं बाबा जी, मैं तेरे साथ में चलूंगी, लेकिन एक बात है। वो क्या है? वो यह है कि तुम्हारे बीछू सांप गले में लटक रहे हैं, इनको देख देख कर मुझको डर लगता है। एक तो तू इनको हटा ले, दूसरी बात तुम्हारे लंबी लंबी जटा है, लंबी लंबी मूछ है, इनको कटवा ले। अगर इतना तुम कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ में रह सकती हूँ। हाँ भी तू सांप गले में लग के तल से इन्हें हटा ले तू, जब चालू तेरे संग में ये दाढ़ी रे मूछ कटा ले तू। अवतार में बन जाऊ तेरी, सुनकर हर्षा योग है मन में भोलेनाथ पड़ो चक्कर में। दाढ़ी मूछ कटाई पाते खेन लगियो हर्षाई नारी जाले, दाढ़ी मूछ कटा ली अब तो तेरो पति बना ले। मन में पार्वती हर्षाई तीनों अपनो रूप दिखाई, शर्मायो संगी तू निशल चंदी नारी। अब कह हो नो कैलासन में आए देखो हुए बराबर दो। We'll be right back.
भरतार में बन जाऊ तेरी नार। सुनकर खड़का हो गए मन में बोले नाथ पड़ो चक नीनी डाडी मूछ कटाई पाते कहने लगे घर साई नारी याले डाडी मूछ कटा ली अब तो तेरो पति बना ले। मन में पार्वती घर साई दोनों अपनो रूप शर्मायो संकट पुरारी चुनिकी चल चंदी नारे अब कहे हो ना चेला दल में आए देखो हुए बराबर दम जीवे सारे माया बन में भारी दूरे गला गावे माया शिवे जी की नारी। पार्वती हर साई तीनों अपनो रूप दिखाई शर्मायो संकट पुरारी।